सेंसर बोर्ड के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा बिकॉज आई हेट सेंसर बोर्ड। सनी लियोन का अगर मूवी इंडिया में चल सकता है, शाहिद कपूर का चलना चाहिए क्योंकि कुछ गाली गलोच दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं मुझे लगता है। अभी बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी आ रही है, रिलीज हो गई है, सो अकॉर्डिंगली दे शुड मूव ऑन आई गेस। उन्होंने बहुत सारी मूवीज के बारे में ये किया है, नहीं सीरियसली दिस इज अ सीरियस थिंग कि सेंसर बोर्ड बहुत सारी मूवीज के कट्स कर देते हैं, बहुत कट कर देते हैं। अपना लेवल बढ़ाना चाहिए एंड ऑप्शंस निकालने चाहिए, ऑल्टरनेटिव। आई हर्ड दैट इज बैंड करनी चाहिए कि बच्चे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। नहीं एक्चुअली जो सेंसर बोर्ड का अपना ठीक है, ये सारी फिल्में जो होती है ना अभी फैमिली वाले भी देखने जाते हैं तो थोड़ा बहुत लिमिट बनती है उसके लिए, बट ओवरऑल अच्छा है। थोड़ा रोकना चाहिए और थोड़ी चीज़ें दिखानी भी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए। मेरा पर्सनल फेवरेट शाहिद कपूर है एंड आई थिंक ही हैज़ रियली एक्टेड वेल इन दैट मूवी। मुझे ऐसा उसमें कुछ नहीं लगा। आई फाउंड द फिल्म क्वाइट गुड। नो इट शुड बी बैन्ड। इट्स अ गुड मूवी, इट इज़ अ गुड टॉपिक एंड इट शुड बी रिलीज्ड। इस तरह की जो मूवीज़ होती है उसका कई हद तक हमारे मेंटालिटी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आई थिंक सेंसर बोर्ड ने बैन किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। सही बात है कि नहीं?